दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे जो गीजर के नीचे एक सेफ्टी वाल लगा होता है, मल्टी फंक्शन वाल, उसका यूज क्या है, उसका प्रेशर कैसे हम रिलीज करते हैं, वो सारी चीजें दिखाएंगे। और ये क्यों लगाया जाता है गीजर में, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हम सेफ्टी वाल की तरफ। तो दोस्तों, ये है वो मल्टी फंक्शन सेफ्टी वाल। तो इसको हम, ये दोस्तों इस तरीके से आता है पैकिंग में। अब इसका यूज कैसे करना है, कैसे इसमें, मतलब ये यूज गीजर में क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों, ये रबड़ की जो पैकिंग है, ये इसके साथ ही आती है, ये ऐसे करके। ये दोस्तों हमें ऐसे खोल लेनी है, उसके बाद ये ओपन कर लेना है। तो ये दोस्तों ये निकल गया। अब इसको दोस्तों, ये आपने देखा होगा, गीजर के अंदर, गीजर के नीचे जहां पे पीवीसी कनेक्शन पाइप लगाते हैं, ये वहां लगाया जाता है। अब इसका काम क्या है वहां पे, ये क्यों लगाया जाता है, ये हम आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये इसमें आप पहले ये देख लो, ये एरो बन रहा है, इसका मतलब हम अभी बताते हैं आपको। अब जैसे गीजर के अंदर आपने देखा होगा, कई जगह प्रॉब्लम आती है कि प्रेशर नहीं होता है गीजरों में, पानी प्रेशर, मतलब गीजर से प्रेशर नहीं निकल पाता है। तो उस केस में आपने देखा होगा, डायरेक्ट पीवीसी कनेक्शन बिना इसके लगाया जाता है। ये दोस्तों रिस्की भी होता है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है, अगर आपका, अगर टैंक, अगर जो पानी का टैंक है, अगर वो भरा रहेगा तो ही ये कामयाब है दोस्तों। अगर जिस दिन भी टैंक खाली हुआ और आपने गीजर चला दिया, तो टैंक फटने का भी डर रहता है। सेफ्टी वाल्व में क्या होता है, ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये एरो, तो इस एरो का मतलब है इसमें पानी जाने की सुविधा है, आने की नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये है दोस्तों, ये स्प्रिंग जो इसमें लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो, तो ये स्प्रिंग, यहां से पानी जा सकता है, वापसी आ नहीं सकता। जैसे डेमो के लिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के। तो दोस्तों, डेमो के लिए ये जैसे एक ही खाली मग रखा है हमारे पास, और ये है दोस्तों सेफ्टी वाल्व। तो अब आप इसमें गौर से देखना है दोस्तों, ठीक है। ये हमने जो पानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेफ्टी वाल्व के ऊपर डाला, ठीक है दोस्तों। अब आप ये देख सकते हो, नीचे से पानी गिर नहीं रहा है, जो ये वाला हमारा पॉइंट है, यहां से पानी गिर नहीं रहा है। तो ये गिरेगा कैसे, ये दोस्तों जैसे कि यहां से प्रेस होता है, ये देखो, ये निकला। अब एक बारी मैं आपको फिर से दिखाता हूं थोड़ा वाइड एंगल में। तो दोस्तों ये देखिए, एक बारी मैं आपको फिर से ये करके दिखाता हूं। ये हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से पानी हमने गीजर में ऊपर जो सेफ्टी वाल्व में डाला, अब ये देखो आप, अब ये पानी कैसे निकलेगा, यहां पे ऊपर से पानी है, जिसके लिए आप ये देख सकते हो, ये देख लो आप, यहां पे पानी है। अब ये निकलेगा कैसे, मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो ये हम थोड़ा और डाल लेते हैं इसमें पानी। तो ये दोस्तों आप देखो, ये पानी इसमें आ गया। अब ये पूरा, अब ये देखो आप, बूंद बूंद गिर रही है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लीकेज है। जब टेफ्लॉन टेप हम लगाते हैं तो लीकेज भी बंद हो जाती है, ये पहचान है कि गीजर में कहीं लीकेज होती है, तो इस टाइप से होता है। अब ये प्रॉपर पानी कैसे निकलेगा वो आप देख लीजिए। ये हमने लाइनर लिया हुआ एक, ये आपने देखा, ये निकला पानी। तो दोस्तों इसमें ये है प्रोसेस, इसमें ये होता है कि जब यहां पे हम जो पीवीसी पाइप हम लगाते हैं, हम जो गीजर का हम कनेक्शन पाइप यहां लगाते हैं, इसमें दोस्तों ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हो, ये वाली स्प्रिंग जो है, ये इसमें जाने की सुविधा है, ये देख रहे हो आप। ये पानी ऐसे, जब ये अंदर प्रेशर पड़ेगा पानी, तो ये स्प्रिंग ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगी, तो जिसके कारण ये यहां पे पानी इसमें जाएगा। तो ये होता है दोस्तों सेफ्टी वाल्व का काम। तो ये होता है दोस्तों सेफ्टी वाल्व का काम, ये देख लीजिए आप। ये यहां से जब तक ये पिन प्रेस नहीं होगी, तो ये देख रहे हो आप, थोड़ा और मैं आपको पास से दिखा देता हूं। ये दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये यहां से पानी जब डालते हैं, ये गीजर में ऐसे लगा होता है इस टाइप से, तब ये यहां से हम इसमें जब पानी जाएगा, तो ये ऐसे प्रेस होके पानी इसमें फिल होगा। और जब ये वापसी जब लूज, इसका फायदा ये होता है दोस्तों, अगर गीजर, अगर आपके पानी के टैंक खाली है, उसमें पानी नहीं है, जो गीजर के अंदर पानी होगा, तो इसमें क्या होगा, कोई भी खतरा नहीं है, गीजर का पानी गर्म होता रहेगा, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर सकते।
क्योंकि जब तक आप उसको दूसरे टैप को नहीं खोलते हो तो इसमें से पानी, जब तक इसमें से पानी जाएगा ही नहीं तो वहां से निकलेगा नहीं, इसलिए दोस्तों इसमें खतरा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे फीचर की। ये दोस्तों आप ये देख रहे हो उसमें ब्लैक कलर का ही डॉट लगा हुआ है, ये किस लिए? दोस्तों ये होता है एक्चुअली, जैसे कभी गीजर खाली करना हो या गैस बन जाए गीजर में, तो ये प्रेशर को रिलीज करने के लिए होता है। इसको क्या करना होता है, ये आप देख रहे हो, इस साइड से इसको पकड़ के ऐसे खींचना होता है, तो ये देख रहे हो आप, ये ऐसे खींच जाता है। ये जो होल आप देख रहे हो, ये यहां से दोस्तों एयर निकलने लग जाती है। अब जैसे ये देख लिए, ये इसमें स्क्रू ड्राइवर, ये मैंने लाइनर डाला तो इसमें पूरा आ नहीं रहा है, और जैसे ही मैं इसको खींचता हूं तो ये दोस्तों स्प्रिंग इसकी पूरी खुल चुकी है। तो ये दोस्तों ये होता है प्रेशर को रिलीज करने के लिए। तो इसमें दोस्तों बहुत ही सिंपल है ये, इसमें ज्यादा कोई काम है नहीं, इसलिए दोस्तों गीजरों के नीचे ये हमें सेफ्टी वाल्व लगाने की जरूरत होती है। वैसे आप सेफ्टी वाल्व भी कह सकते हो या मल्टी फंक्शन वाल्व भी कह सकते हो। हमने आपको इसमें ये भी दिखा दिया कि ये किस लिए काम आता है, प्रेशर रिलीज करने के लिए, और हमें क्यों लगाया था हमने वो भी बता दिया। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और जिसको ये वीडियो पसंद आई हो वो वीडियो को लाइक करें, और जिस किसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।